हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रिंकल सोनी जी का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। और मुझे उनका ये मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया था और एवरीडे के लिए मुझे उनका ये मेकअप लुक परफेक्ट लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी इसको शेयर करूं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस, ये बिल्कुल फ्री है, तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। और गाइस, प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मैक का फेस प्राइमर। और आपके पास जो भी प्राइमर अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो पतंजलि के एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फेस प्राइमर, और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे 925 सीसी क्रीम। और गाइज, ये बहुत अच्छी क्रीम है, काफ़ी लाइट वेट है। और रिंकल जी ने भी यही क्रीम अप्लाई की थी अपने फेस पर इस मेकअप लुक में, तो एवरीडे के लिए ये क्रीम बहुत ही बेस्ट है गाइज, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे ये क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एवरीडे के लिए आप इसे ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी लाइट वेट है। इसे लगाने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की या मेकअप की लेयर्स लगाई हुई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है, तो आप इसे डेली बेसिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर, और अपने डार्क सर्कल एरिया पर मैं ये कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। और कंसीलर जब भी आप लगाएं तो ट्रायंगल शेप में लगाएं, और साथ ही साथ मैं इसे अपने नोज़ एरिया पर भी लगा रही हूँ हाईलाइट करने के लिए अपने इस पॉइंट्स को। तो आप जब भी कंसीलर लगाएं तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, इससे आपके डार्क सर्कल हाइड होते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, और कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से मैं अच्छे से अपनी बीबी क्रीम को और कंसीलर को सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक स्मॉल फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, और इसकी हेल्प से मैं जो ब्राउन शेड लगाने जा रही हूँ शिमर्स का, वो काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा मेरी आईज़ पर, काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आप जब भी ये शिमर्स आई शेडो अप्लाई करें तो गाइस मेकअप फिक्सर को ज़रूर स्प्रे करें। मैंने ये स्मॉल फ्लैट ब्रश पर मेकअप फिक्सर को स्प्रे किया है, फिर मैं इसकी हेल्प से ब्राउन कलर का ये जो शेड है शिमर शेड, इसे अप्लाई कर रही हूँ और इसे अच्छे से अपनी आईलिड पर स्प्रेड कर लूँगी मैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ अपनी क्रीज एरिया पर लगाने के लिए, और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ फेसिस कैनेडा का ये काजल, और ये काजल भी बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, तो मैं ये काजल लगा रही हूँ। और डेली में मुझे इस तरह के काजल लगाना मतलब अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेबेलिन मस्कारा, और ये मस्कारा भी वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये। मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ इसे, और अपर लैश लाइन पर लगा लूँगी। और इसी की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी, और मैं यहाँ पर पाउडर कंटूरिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटर। और एंड में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपनी लिपस्टिक, और ये बुलेट लिपस्टिक है हाफ एंड हाफ की। और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस, ये बिल्कुल फ्री है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।